हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार, आप सभी को बीएससी परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत हो। चलिए आज हम लोग अगले वाले लेक्चर के साथ, ठीक है। आज हम लोग का डे नंबर वन है, एस्ट्रोनॉमी के बुक का डे नंबर वन है, और लेक्चर नंबर आप लोग का जो होगा लेक्चर नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले वीडियो में हम एस्ट्रोनॉमी के बुक्स के पूरा परिचय के बारे में आप डिफाइन किए हुए थे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसके बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। आज हमको उसी टॉपिक के हिसाब से फर्स्ट नंबर जो चैप्टर आपका बताया थे, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑन स्फीयर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इस टॉपिक से फोर क्वेश्चन 100% श्योर रहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से आपको फोर क्वेश्चन श्योर रहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, तो किसी भी चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद बेसिक इसका जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी जो रिवीजन होती है प्रॉपर्टीज बता देंगे, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या जरूरत है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और इसका बेसिक्स जो भी फॉर्मूला यूज होने वाले होगा इस चैप्टर में हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल फंडामेंटल फॉर्मूला ऑन स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। डेफिनेशन है इसका, स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्फीयर इज द लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, लोकस पॉइंट इन द स्पेस, जो भी लोकस उसके बीच में क्या होता है, स्पेस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ डिस्टेंस उसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसके बीच डिस्टेंस होगी और उसके लोकस उसके बीच में स्पेस होगा, ठीक है। इज कॉन्स्टेंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑन द स्फीयर इज कॉल्ड ए रेडियस, ठीक है, इज कॉल्ड ए रेडियस होता है, ठीक है। तो हम लोग को डिफाइन में क्या जाएंगे, स्फीयर ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन होता है, स्फीयर ट्रिगोनोमेट्री स्फीयर का हम डिफिनेशन आपको बता चुके, ठीक है। अब हमको देखना है कि सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय द प्लेन, ठीक है, हर सेक्शन में स्फीयर को पार्टिसिपेट करके पूछा। चलिए हम लोग स्फीयर के जो स्फीयर का मतलब क्या होता है डिफिनेशन उसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका जान चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि स्फीयर का ट्रिगोनोमेट्री में क्या बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे, क्या क्या आगे हमको प्रूफ करके पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। चलिए इसको हम बेसिक रूप से बता देते हैं, उसके बाद हम लोग स्फीयर ट्रिगोनोमेट्री का आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, और प्रॉपर्टीज के बाद उसका थ्योरम जितना भी थ्योरम थ्योरम पढ़ाएंगे और बुक्स का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसका पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रूफ करने के लिए इवॉल्व है, ठीक है। चलिए वहाँ पे तो हम स्फीयर देख लिए, स्फीयर का क्या इंट्रोडक्शन, तो अब हम लोग देखेंगे स्फीयर का ट्रायंगल, ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल देखना, ठीक है। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे स्फीयर, यहाँ पे पढ़े हैं हमको स्फेरिकल ट्रायंगल, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये भी क्वेश्चन बी यू के दो में पूछा है, चार में पूछा है, दस में पूछा है, बारह में पूछा और बीस में पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम जो भी यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी जो भी क्वेश्चन आए हैं हर साल में से कोई ना कुछ क्वेश्चन इसका या तो इसका ट्रायंगल पूछ देता है या स्फेरिकल का पोलर ट्रायंगल पूछ देता है, या स्फेरिकल ट्रायंगल है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे सिक्स नंबर जो पढ़ेंगे फाइव नंबर स्फेरिकल ट्रायंगल है, आगे वाला जो पढ़ेंगे उसका पोलर ट्रायंगल है, ठीक है, पोलर ट्रायंगल आता है, ठीक है। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले एक स्फीयर हो गया मेरा, ठीक है, स्फीयर में हम बिंदु ले लिए ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाहर वाले को हम लोग कैपिटल से कैपिटल लेटर से सूचित किए, तो अंदर वाले को हम लोग स्मॉल से सूचित करेंगे, ए बी और सी हो गया। बीच का जो बिंदु है डिस्टेंस है क्या पढ़े थे स्फीयर में पढ़े थे, मतलब जो बीच का जो स्पेस होता है लोकस का जो स्पेस होता है उसका फिक्स्ड पॉइंट, लोकस इसका बीच का फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए लेट ए बी ए बी एंड सी बी एनी थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्फीयर, देखिए यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है ए बी सी, कितने पॉइंट्स है थ्री पॉइंट्स है, उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना है कि लेट ए बी सी बी बी एनी थ्री पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। द फिंगर फॉर्मेड बाई द ज्वाइनिंग ए कोमा बी एंड सी बाई एक्सिस ऑफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल मतलब बड़ा सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल बाय द आर ऑफ द ग्रेट सर्कल, वी मीन द स्मॉलर आर इंटीग्रेटेड, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट थॉट विच द सर्कल पास passes therefore, ठीक है, therefore only one spherical trigonometry can be formed by joining the point a comma b comma c by r of the greatest circles, thus none of the side of a spherical trigonometry is greater than, ठीक है, greater than semi circle, ठीक है, greater than semi circle। अब हम लोग hence में देखते हैं कि hence ये क्या कहता है, ठीक है, hence में कह रहा है कि द साइड एंड एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल आर इच लेस देन टू राइट एंगल द साइड बी सी सी ए एंड ए बी, अगर जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी यहाँ पे सी ए तीनों फोकस दिए होते हैं, यहाँ पे क्या होगा तीनों से एक स्मॉल बी होगा, एस कैपिटल बी होगा तो स्मॉल सी होगा, कैपिटल सी होगा तो स्मॉल ए होगा, एंड ए बी ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल आर डिनोटेड बाय, ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल को हम लोग डिनोटेड करते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, ठीक, आगे हम लोग का दिया हुआ है, आगे यहाँ पे है बाई ए कोमा बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मतलब जो स्मॉल ये स्मॉल वाले से डिनोटेड किए थे, आर मेंसुरेट बाई द एंगल सबमिट बाई देन एट द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये थोड़ा लैंग्वेज विषय है, इसमें लैंग्वेज है, जो भी हम इसका थ्योरम पढ़ाएंगे, जो भी थ्योरम दिया होगा वो थ्योरम पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बहुत मतलब बेसिक रूप से समझ में आएगा, इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉमी का नाम है खगोल, खगोल के बारे में क्या होता है पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ है कि द एंगल लेट कोण बी ए सी ऑफ द स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू ग्रेट सर्कल ए बी एंड ए सी ड्राव फॉर ए टूवर्ड्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली द अदर एंगल बी एंड सी आर सिमिलरली मेंसुरेट, ठीक है। द थ्री साइड ए कमा बी कमा सी एंड द एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ए कमा बी कमा सी आर द सिक्स एलिमेंट ऑफ द स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री ए बी सी, सिक्स एलिमेंट ऑफ द स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री इन ए बी सी। हम लोग क्या जानते हैं कि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के फिगर के साथ आपको बताया कि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के जानेंगे, ठीक है।
अब हम लोग को पढ़ना है आगे वाले में, जो भी हम इसका बेसिक्स कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि हाँ स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री बेसिक्स क्या फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब एक यहाँ पे एक टॉपिक और दिया हुआ है जिस टॉपिक का नाम है पोलर ट्रायंगल। ठीक है, ये भी पोलर ट्रायंगल बीयू के 93 में, 97 में, 4 में, 2004 में और 22 में क्वेश्चन आए। देखिए 4 से 22, 18 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ, क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन। आप लोग स्फेरिकल ट्रायंगल या पोलर ट्रायंगल दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हर समय रिपीटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पोलर ट्रायंगल का डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा पोलर ट्रायंगल में। ठीक है, पोलर ट्रायंगल में लेट ए कमा बी द गिवन स्फेरिकल ट्रायंगल एंड लेट ए डैश बी डैश, ये थ्री एलिमेंट्स लिए हैं इसमें भी, ए डैश बी डैश सी डैश बी, दो पोल ऑफ द आर्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली विच इज द लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ देन एज द अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल में क्या है, ए कमा बी कमा सी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए कमा ए डैश कमा बी कमा बी डैश एंड सी कमा सी डैश आर इच द लेस देन पाई बाई टू इक्वल टू ए कमा ए डैश ग्रेटर देन लेस देन पाई बाई टू, बी कमा बी डैश लेस देन पाई बाई टू एंड सी कमा सी डैश इंटू पाई बाई। कहने का मतलब कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी इन कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी, जो भी अपोजिट से ए लिए उसका अपोजिट ए डैश हो जाएगा, बी लिए उसका अपोजिट बी डैश हो जाएगा, सी लिए उसका अपोजिट सी डैश हो गया। तो क्या हो जाएगा, सब इक्वल किससे बराबर है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री से सब छोटा है। ठीक है, देन ट्रायंगल ऑफ द ए डैश बी डैश सी डैश फॉर्मेट बाई ज्वाइनिंग ए डैश बी डैश सी डैश आर्स 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 क्या हो जाएगा ऑफ ग्रेट ग्रेट सर्कल इज कॉल्ड द पोलर ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल और प्रिमिटिव ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ ए बी सी, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है ए डैश बी डैश सी, इसमें कितना है टू ट्रायंगल्स। जब टू ट्रायंगल्स हम लोग बनाएंगे तो इसमें एक रेखा आ रही है जो करते हुए रेखा जा रही है, थ्री ट्रायंगल्स बनाए, तीस थर्ड नंबर ट्रायंगल हो गया। इसमें हमको कितना देखना, ट्रायंगल थ्री ट्रायंगल्स देखना। द साइड एंड ट्रायंगल ऑफ ए पोलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश आर डिनोटेड बाय ए डैश बी डैश सी डैश एंड ए डैश बी डैश सी डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमको क्या कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बता दें, इसमें क्या फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जिसमें साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, प्लस माइनस ये दोनों फॉर्म में फॉर्मूला होता है, इसी तरह कॉस प्लस माइनस दोनों फॉर्म में फॉर्मूला होता है, इसी तरह साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यह सब फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि इंटर का पूरा बेसिक्स फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में यूजफुल होने में, आपको पहले ही बेसिक्स में इसको बता दिया कि आगे जो हम भी क्वेश्चन या थ्योरम बताएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये है साइन कॉस सी माइनस कॉस डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बताते हैं कि थ्योरम में क्या क्या हमको प्रूफ करना है। चलिए थ्योरम में हमको प्रूफ करना है फॉर देखिए प्रॉब्लम ऑफ द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑन द स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर हमको जो थ्योरम प्रूफ करना है वो कॉस साइन फॉर्मूला में। कॉस साइन में क्या प्रूफ करना है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये प्रूफ करेंगे। सेकंड नंबर प्रूफ करना है कि कॉस बी, ठीक है, कॉस बी इक्वल टू कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू साइन इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए बटा साइन सी इंटू साइन साइन सी इंटू साइन ए। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल ए में बहुत का डिफरेंट है, इसमें देख के वही चलना। थर्ड नंबर आपको ये प्रूफ करना है कोसी में। उसके बाद हमको पढ़ाएंगे सप्लीमेंट्री कोसाइंस फॉर्मूला। ठीक है, सप्लीमेंट्री कोसाइंस फॉर्मूला पढ़ाएंगे जिसमें इसमें स्मॉल वाला था इसमें हो जाएगा सब कैपिटल होगा। तो कॉस ए इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी इंटू स्मॉल कॉस ए होता है। यह फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे ही हम सबको थ्योरम पढ़ाएंगे बारीकी से प्रूफ करेंगे और टिक मारते ही चलेंगे। ठीक है, इसलिए कॉस ए इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन। ठीक है, सेकंड वाला हम यहाँ पे कॉस ए निकाले, यहाँ पे कॉस बी निकाले और यहाँ पे कॉस सी निकाले। ठीक है, कॉस सी निकाले तो कॉस इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बटा साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है, आगे में हम लोग प्रूफ करना, आगे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग साइंस फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे कॉस फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पे हमको साइंस फॉर्मूला पढ़ना है कि साइन साइन कैपिटल ए बाई साइन स्मॉल ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी बाई साइन स्मॉल बी इक्वल टू साइन कैपिटल सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू टू एन बटा साइन स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल सी पढ़ना है। इक्वल टू वेयर टू एन इक्वल टू इतना होता है, आप लोग याद रखिएगा, टू एन इक्वल टू इतना होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, सप्लीमेंटेड के बाद हमको क्या पढ़ना है, हाफ एंगल फॉर्मूला में साइन ए बाई टू बराबर इतना पढ़ेंगे, कॉस ए बाई टू बराबर इतना पढ़ेंगे, टैन ए बाई टू बराबर इतना पढ़ेंगे और टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है और एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसलिए कि टू यहाँ इंटू में वहाँ पर डिवाइड फॉर्म में चल जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ साइड फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे हाफ एंगल था और यहाँ पे हाफ साइड फॉर्मूला में पढ़ना है, यहाँ पे वहाँ पे कैपिटल ए बाई टू था, यहाँ पे स्मॉल ए बाई टू के पढ़ना है, साइन ए स्मॉल ए बाई टू बाई इतना हो जाएगा, कॉस स्मॉल ए बाई टू बराबर इतना हो जाएगा और टैन स्मॉल ए बाई टू बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है एक और टॉपिक है जिसका नाम एक और टॉपिक है जिसमें हमको पढ़ना है को टेंजेंट फॉर्मूला फॉर फोर कंसिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, कॉस इनर साइड कॉस इनर एंगल। ठीक है, जैसे एक इनर साइड होगा एक इनर एंगल होता है, साइन इनर साइड कॉट द अदर साइड्स माइनस साइन इंटू इनर एंगल इंटू कॉट इंटू अदर एंगल पढ़ना। ठीक है, तो यही था इसने बेसिक फॉर्मूला था। अगले वाले चैप्टर से जो भी हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, इन एनी स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री ए बी सी शोड एट द टैन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसका हम पूरा बेसिक रूप से थ्योरम प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ाने के बाद इसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। इसी तरह चैनल को देखिए, पीछे वाले लेक्चर को आवश्यक देखिएगा, जो भी लेक्चर अगर लेक्चर आप लोग बीच से देखते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वाले लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।